हम सभी को रामानंद सागर की रामायण तो अच्छे से याद होगी, खासकर उनको जो 90 के दशक में बड़े हुए हैं। इस सीरियल में राम का किरदार निभाते थे अरुण गोविल और सीता बनती थी दीपिका चिखालिया। एक बार फिर से दीपिका खबरों में है। दरअसल वो एक्टिंग में वापसी करने जा रही हैं, लेकिन इस बार वो एक फिल्म में आतंकी की पत्नी का किरदार निभाएंगी। दीपिका ने 1983 में फिल्म सुन मेरी लैला में राज किरण के साथ अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। पहली फिल्म हिट होने के बाद लगातार 3 फिल्मों में राजेश खन्ना के साथ नजर आईं। ये फिल्में थी रुपए 10 करोड़, घर का चिराग और खुदाई। ये तीनों फिल्में भी हिट रहीं। दीपिका अलग अलग भाषा की फिल्मों में काम करने के बाद एक कॉस्मेटिक कंपनी के मालिक हेमंत टोपेवाला से शादी कर एक्टिंग से दूर हो गई। उनकी आखिरी फिल्म लाजू लखन 1992 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म गुजराती भाषा में थी। ट्रेंड फॉलो करते हुए दीपिका ने भी फिल्मों से रिटायर होने के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। 1991 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर बड़ौदा सीट पर चुनाव लड़ा और एमपी बन गईं। पिछले कुछ समय से वो अपने पति की कंपनी में रिसर्च और मार्केटिंग टीम को हेड कर रही थी। ये कंपनी श्रृंगार बिंदी और टिप्स एंड टोस नेल पॉलिश बनाती है। 25 साल के बाद एक बार फिर दीपिका फिल्मी पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं। फिल्म होगी गालिब। 2013 में फांसी की सजा पाए संसद हमलों के दोषी अफजल गुरु पर बायोपिक बन रही है। डायरेक्टर है मनोज गिरी और फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं घनश्याम पटेल। फिल्म की कहानी अफजल से ज्यादा उसके बेटे गालिब के बारे में है। गालिब ने अपने पिता की मौत के बाद 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 95% मार्क्स हासिल किए थे। की फिल्म उसी जर्नी को दिखाएगी। फिल्म में निखिल पिटाले गालिब और दीपिका उनकी माँ शबाना अहमद का किरदार निभाएंगी। फिल्म को विवादों से दूर रखने के लिए अफजल गुरु का नाम बदलकर बशीर अहमद कर दिया गया है। इसे निभाएंगे मशहूर थिएटर आर्टिस्ट और इशक जादे जैसी फिल्म में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके अनिल रस्तोगी। इस फिल्म का पहला शेड्यूल दिसंबर में इलाहाबाद में शूट हो चुका है। इस फिल्म के आखिरी भाग की शूटिंग जल्द ही कश्मीर में शुरू होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दी लल्लनटॉप सब्सक्राइब करें।